सो हेलो दोस्तों, बा वाटर सर्विस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गए हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ओल्ड साइकिल की जो सीट है हमारे पास, तो दोस्तों ये रिपेयरिंग होने को आई है। ये पूरी तरह से टूट चुकी है, इसको आज हम रिपेयर करेंगे और बताएंगे कि मतलब इसके स्पेयर पार्ट्स आजकल वैसे आने बंद हो गए हैं, बट फिर भी हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इसको रिपेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बात बता दूं दोस्तों कि ये ओल्ड साइकिल की सीट है। ये देख रहे हैं आप, इसके पूरी तरह से इंजन पिंजर हिल चुके हैं। ये ऊपर का जो कवर है ये ओके है, बट इसका ना ये जो नट दिया हुआ है, ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी तरह से जंग खा चुका है और ये खुल नहीं रहा है। तो खुलेगा तो नहीं, इसको हम कटर से काट देंगे। तो ये देखिए, कटर से हमने नट को काट दिया है। दोस्तों कटर होना बहुत ज़रूरी है हमारी जो लाइन है, इससे बहुत ही काम आसान हो जाता है, अदरवाइज़ जंग लगे नट को खोलना बहुत मुश्किल है। तो जो सामान लगेगा हमारा सीट रिपेयरिंग में, ये चुंगी नट बोल्ट कहते हैं इन्हें, जो मेरे हाथ में थे, और ये स्प्रिंग है, 5 से 6 स्प्रिंग लगेंगे। ये दो तरह के स्प्रिंग होते हैं दोस्तों, छोटे और बड़े। ये पुरानी साइकिल है तो इसमें बड़े स्प्रिंग पड़ेंगे। देखिए 5 स्प्रिंग लगे, 2 चुंडी है और नट बोल्ट है इसके। ये देखिए, ये भी जंग खाए हुए हैं, ये भी नट नहीं खुलेंगे। तो आपको पता ही है कटर हमारे पास है। ये देखिए दोस्तों, हमने कटिंग करके अलग कर दिया है इसको। ये देखिए दोनों नट बोल्ट उड़ा दिए हैं। तो ये जो पहले पुरानी चुंडी पत्ती लगी हुई है, इसको निकालना पड़ेगा। तो लास की मदद से और पेचकस की मदद से निकाल लिया है। तो अब ये नई चुंडी है जड़ी, इसको हम पाएंगे। इसका पहले मुँह खोल लेंगे क्योंकि बहुत टाइट होती है। बस प्लास इसको थोड़ा सा ठोकना है और ये आराम से अंदर चली जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, लाइक शेयर कमेंट कर लेना है। और अगर मेरी वीडियो पे पहली बार आए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को प्रेस करके जाना, क्योंकि मैं इस लाइन की और भी वीडियोस, जैसे वेल्डिंग हो गई, साइकिल रिपेयरिंग हो गई, कार पंचर हो गए, मोटरसाइकिल पंचर, इसकी वीडियो लेके आता रहूँगा। जिससे क्या होगा, आपको भी हेल्प होगी और कुछ ना कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा आपसे, क्योंकि आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो बन जाइए दोस्त और एक फैमिली बनाते हैं जिससे हम अच्छा काम कर सकें। सो पेचकस की मदद से इसको हम अच्छी तरह से कस देंगे। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप ये नेट कसते हो ना, तो कई बार क्या होता है, नए नेट बोल्ट होते हैं वो झटके लग लग के खुल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, इसको नेट को कसने के बाद ना थोड़ा थोड़ा झंड कर दिया करें। झंड करने से इसका मुँह बन जाएगा और नेट नहीं खुलेगा। ये मेरे पिताजी हैं, इन्हीं की वर्कशॉप है ये, और इन्हीं से मैंने सीखा है। पिताजी के साथ साथ ये मेरे उस्ताद जी भी हैं, क्योंकि लाइफ में हर बंदा ये वेला तो नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ काम सीखना पड़ता है। तो मुझे भी अपना काम करना था, मुझे अपना बिजनेस करना था, इसलिए मैंने इसी लाइन में आ गया। और अच्छा काम है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस करने वाला इंसान होना चाहिए, इसकी सोच होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने स्प्रिंग पाने हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसे ये स्प्रिंग है, कई बार ये टूट जाते हैं। अगर हमारे पास न्यू स्प्रिंग नहीं है तो हम पुराने स्प्रिंग भी सही कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत कट करके ना, उसमें जो मेरे भाई जो इस लाइन में, उनको पता होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ, वो मेरी बात से ही समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। स्प्रिंग को थोड़ा थोड़ा कट करके जो साइकिल की तार होती है ना, उसकी कुंडी बना के इसमें लगा लो। ये देखिए, ये एक कुंडी पड़ी हुई है एक स्प्रिंग के साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो नया स्प्रिंग है, इसको अच्छी तरह प्लास से दबा लीजिए। कई बार क्या होता है, अगर कस्टमर जैसे सीट पे बैठता है, तो कई बार स्प्रिंग की जो मतलब मटेरियल या क्वालिटी है, कई बार हल्की आती है, तो बैठ से सर ही स्प्रिंग बाहर निकल जाता है। तो इसलिए